fighting to save lives there despite incredible circumstances. That hospital, the only functioning hospital, we are told, in Srinagar at the moment. Well, here's another story that that really gives you an idea of the reality of the process of evacuating people. In as much as the armed forces are trying to get people out of the areas where water has actually gone up to a high level, there are stories of those who don't want to leave their homes at all, who do not want to go out of the area. Barkhadat was with soldiers of the army traveling through one of these areas on a boat and spoke to people who said that, look, we will not leave our homes. So the boat has got us right into the interiors of Tengpura, an area of Srinagar that is still submerged. And we're going to try and talk to some of the residents here. आप लोग कितने दिन से यहाँ फंसे हुए हैं? हम यहाँ पर 4 दिन से फंस रहे हैं. और बच्चा भी आपका छोटा है? बच्चे भी है, 5-6 बच्चे भी है. और थोड़ा पड़ोसी भी फंस गए यहाँ पे. तो ये इंडियन आर्मी की मेहरबानी से हमको यहाँ पर राहत मिल गई. आर्मी ही मदद कर रही है कि कोई और भी कर रहा है? और कोई नहीं, बस यही है जो आप आ रहे हैं. कल भी आप आ गए, आज भी आप आ गए, मेहरबानी आपकी. कोई सिविल यहाँ पर नहीं आ रहे हैं? कोई सिविल गवर्नमेंट का कोई नहीं आ रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं. सिविल गवर्नमेंट का कोई नहीं आ रहा है. जो भी पानी दिया है, सब्जी दिया, दूध दिया बच्चों के लिए, खाली सिविल, ये जो आर्मी लोग हैं, इन्होंने हमको मदद किया है. अच्छा, आप कैसे हिम्मत बना के रख रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी घबरा रहे होंगे? बहुत बहुत हद से ज्यादा घबरा रहे हैं बच्चे. हाँ. बच्चे भूखे हैं, पर पानी नहीं है, कुछ नहीं. अब जो ये आपकी मेहरबानी की सर, और आर्मी ने हमको कल भी दिया था, आज भी दिया है जी. तो इनकी मेहरबानी से हमारी जो. और आप लोग निकलना नहीं चाहते, अपना घर छोड़ना नहीं चाहते? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि लगता है कोई और आ जाएगा. सही बात है, सही बात है. और कोई बीमार तो नहीं है? सब ठीक ठाक है ना? नहीं, बच्चे हैं, बच्चे, बच्चों का बहुत प्रॉब्लम आ रही है. अगर कोई बच्चा बीमार है आपको तो ये लेके जा रहे हैं? चलिए, आप ख्याल रखिएगा अपना. कल यहाँ पर एक बच्चा बीमार हो गया था, ये लोग आए थे, उन्होंने इनको ले लिया.